हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरती शर्मा। मैं छात्रावास अधीक्षक के तौर पे रायपुर में पोस्टेड हूँ। आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे बुक्स और स्ट्रेटेजी के बारे में, तो मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। बुक्स के लिए आप इंडियन जीएस के सब्जेक्ट को देखेंगे तो हर विषय के लिए अगर आप अलग बुक पढ़ेंगे, जैसे घटना चक्र या महेश पंडवाल जी की जो बुक आती है, तो वो आप सारी पढ़ लीजिए, उतना पर्याप्त है। इसके अलावा करंट अफेयर के लिए जो जनमन मैगजीन आती है वो पढ़ें, और न्यूज़पेपर पे बराबर नज़र बनाए रखें। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए मंथन, परीक्षा मंथन की किताब अच्छी है, और बाल मनोविज्ञान जो नया सब्जेक्ट जुड़ा है उसके लिए प्री बीएड एग्ज़ाम की जो बुक्स होती हैं वो आप पढ़ सकते हैं, उतना पर्याप्त है। वो आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी तो आपसे सवाल बन जाएंगे। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के लिए ग्रंथ अकेडमी की किताब अगर आप पढ़ सकें तो वो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर उतना समय ना हो तो किसी भी कोचिंग की जो किताबें आती हैं वो आपको पूरी पूरी पढ़नी है, और उससे क्वेश्चन भी बनाने हैं। क्वेश्चन बनाना बहुत मायने रखता है। आप पेपर्स इधर उधर से जुगाड़ के या घटना चक्र हर विषय की सॉल्व करें। इसके अलावा खुद से सवाल क्रिएट करना शुरू कीजिए, जैसे किसी भी पेज को आप पढ़ रहे हैं तो इसमें से क्या सवाल बन सकता है ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर आप नोट कर सकते हैं कहीं पे तो अच्छा है, नहीं तो आपके मस्तिष्क में ये मतलब एक क्लिक करना चाहिए कि ये सवाल आ सकता है, तो आप उस चीज़ को दोबारा पढ़ें। इसके अलावा परीक्षा की अभी नोटिफिकेशन तो आई नहीं है, तो आपके पास 2 महीने का समय आप मान के चलिए। तो लंबे जो विषय हैं जैसे इतिहास वगैरह, उनको बहुत ज़्यादा देर ना पढ़ते रह के आप थोड़ा कंपाइल्ड नोट्स हों आपके पास या कोई भी जो एक किताब है वो पढ़ के बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे सोचना विचारना बंद कीजिए, और सिलेबस कंप्लीट करके सवाल, बहुत सारे सवाल बनाइए। इसके अलावा पुराने क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट खुद से दीजिए, अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते कहीं जाके तो खुद से सवाल बनाइए पेपर लेके, और लास्ट में चेक कीजिए कि आप कितने सवाल बना पा रहे हैं। तो ये तैयारी अगर आप गंभीरता से करेंगे तो आपकी परीक्षा निकलना निश्चित है। पॉजिटिव रह के पढ़िए, परीक्षा जरूर निकलेगी।